तो और मेरे भाई जो क्या हाल है। तो भाई आज की डेट पर फिर से भाई क्लासिक खेला था एरंगल या दो दिन हमारे बैठे से आज आता था ऑनलाइन है तो छोड़ो कल जब आएगी तो खेलेंगे उसके साथ। तो भाई तो आज सोलो गेम प्ले है पर इसमें अच्छे किल्स है लाइक 7 किल्स है और लास्ट का जो मेरे ख्याल से गेम प्ले था एरंगल वाले को भी टिप दे सकता है मतलब कहाँ आ सकते हैं लाइक मैच में जाकर मुझे किल्स चाहिए लास्ट में वैसे फाइट होती है तो मैं कहाँ कर सकता है। अब भाई तुम्हारा भाई अगर गॉडज़िला के नजाय ले रहा था उसे अगर नजाय लिए और फिर जो गॉडज़िला गया उसके बाद प्लेन में बैठ के अपन निकलेंगे और जा अब जाओ तो भाई फिर अपन ने यहाँ पे डिसाइड करके काम करेंगे अपन लोग जाएंगे प्रिज़न क्योंकि वो पास में था तो फिर अपन ने यहाँ पे प्रिज़न की तरफ लैंडिंग कर ली मस्त प्रिज़न में पहुँचे और फिर क्या हुआ मैं नीचे जाकर थोड़ा बहुत इधर उधर लूटने से लगा नीचे जाकर थोड़ा बहुत एक डुक्का लूट लूट इकट्ठा करें प्रिज़न में ज़्यादा बंदे आए नहीं थे मैं सोच रहा था कि भाई बंदे आएंगे थोड़े ज़्यादा बंदे आएंगे प्रिज़न में बंदे आए नहीं मुझे टाइम आते प्रिज़न में क्योंकि अच्छी जगह प्रिज़न मैं पूरी प्रिज़न में अच्छी लूट जाऊँ कहीं भी प्रिज़न में भाई फ्लेगन मिल गया दस साल प्रिज़न पसंद है भाई यहाँ पे आकर मस्त तुम्हारे भाई ने लूट लूट करी थोड़ी देर में इतने में भाई तुम्हारे भाई यहाँ पे और थोड़ा लूट रहा था तो तुम्हारा भाई एकदम फुटस्टेप आ गया यहाँ पे तुम्हारा भाई लूट रहा था तो फुटस्टेप आ गया तो वो देखने गया पता मैं टिकट भी लेता है बहुत सामने दूसरा बंदा है ये भी खत्म और भाई इसको मार लेने के बाद अपन पूरा प्रिज़न अच्छे से लूटा लूटी करके अपन जा ही रहते तभी आपने अगर फ्लेयर ड्रॉप दिखा तो बोला तो ड्रॉप लूटने आते मैं सोचा फ्लेयर ड्रॉप दूर होगा पर ज़्यादा दूर नहीं था पास में था मुझे पता था बंदा हो गया तो उधर से बंदा दिखा भाई यहाँ पे फुल कोशिश बंदा डैमेज अब यहाँ पे मैं थोड़ी हाइट एडवांटेज के लिए यहाँ शायद ऊपर से थोड़ा बहुत भी दिख गया था मार लूँ ये करके मैं आया यहाँ पर एक रेड डॉट लिया रेड डॉट चाहिए बट एक रेड डॉट लेकिन ऊपर आकर मैं ऐसा बंदा स्पॉट करने लग गया। तो हाँ तुम कभी भी ऐसी गलती मत करना कि तुम ड्रॉप पे हो सामने तुम्हारा बंदा है और तुम इसके तरह ऊपर में भाग रहे हो तो किसी बंदे को कम मत समझ रहा हो कभी भी तुम्हें तो मार सकता है तो इस चीज़ में ध्यान रखना ठीक है या तो उसको नॉक करो या तो स्मोक यूज़ करो ऐसे ओपन में तुम दौड़ोगे तुम मरोगे फिर यार फिर मैं गया भाई ड्रॉप मस्त लूटने ड्रॉप लूट रहा तो किसी का बॉट आगे मेरे को मारने लग गया और हाँ ऊपर पहाड़ी साइड थे ना तो पहाड़ी साइड पर भी बंदा है मतलब मैं जब आया था उस टाइम चेक किया था मैं तो पहाड़ी की साइड भी बंदा है वो तो यार बॉट है तो बॉट में निपटा फिर वो देखो वो तो पेड़ के पीछे से टिपक लिया तो मैं स्कोप स्कोप थे तो सिर्फ मुझे पता लगा ऐसे फाइट मैं नहीं ले सकता तो मैं यहाँ पे घड़ी लेके गया फ्लैंक मारने एक लंबा चौड़ा बढ़िया सा फ्लैंक तुम्हारे भाई ने एक तगड़ा फ्लैंक लिया तुम भी ऐसे कर सकते हो देखो कभी कोई सिचुएशन को देखा करो तुमको अगर तुमको गेम प्ले इम्प्रूव करना है तो सिचुएशन को देखा करो कि किस मोमेंट पर क्या करना चाहिए उस मोमेंट में मेरे पास नहीं फाइट ले सकता क्योंकि फाइट लेकर मैं ही ख़त्म था और जब मैं आया मुझे पता तो मैं सीधा घुसता तो कभी कोई पीछे रहना जरूरी होता और यहाँ पर तुम्हारा भाई का भाई धीरे धीरे कॉल इस पर गंदा वाला एकदम और सबको मार मुड़ा के मस्त आराम से लूटा अपन लूटने बाद भाई अपन यहाँ से जाए तो भी ऊपर से फायर आया ऊपर तुम शॉट देखना क्या ये मक्खन M24 का शॉट मारा भाई वह चोखा लुट रही गंदा M24 का शॉट मारा है बंदे की बेइज्जती हो गई मतलब क्लोज रेंज में भाई क्लोज तो हाँ क्लोज भी कह सकते मिड रेंज कह सकते क्लोज का मतलब तो नहीं मिड रेंज वो बंदा वहाँ आगे भाई क्या ही शॉट पड़ा बंदे की बेइज्जती हो गई। अब देखो हम यहाँ फिर जब मैं जोन में आया था आगे तो मुझे पता था कि बीच की तरफ से कोई बंदा आ सकता है जोन में जोन आ ही रहा था मैंने बहुत चौदह में रुक गया था अब मैं रुकना सफल लिया बंदा आया गाड़ी लगे तो चला गया आया और गया क्या ही इसको भी M24 का तगड़ा शॉट लगा अभी ये सब करके आया भाई अब मैं यहाँ पे आपका देख रहा था बहुत ढूंढे बंदे मिलते ही अब सामने मुझे स्मोक मिला पर स्मोक का चेक तो बंदा तो मुझे फिर यहाँ पर दिखा बंदा एक ट्राई किया हमने शॉट लगाने में पर भाई बुलेट ड्रॉप कुछ ज़्यादा ही था हमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था तो मारना मुश्किल रहा अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट अपन लास्ट जोन में आ गए अब यहाँ पे अगले क्या ये बंदा मेरे को दिख गया अभी बंदे से बहुत लंबे लंबे झोलम छल करेंगे तुम देखो हाँ यही जगह है जो तुम्हारे सबसे मेन काम आएगी अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट से लड़ता तो देखो उसमें स्नाइपर से मिलना स्नाइपर स्नाइपर बैटल करेंगे और ये देखो ये टिप तुम्हारे काम आएगी अब देखो यहाँ पे हम दो ही से वन ही वन ही से तो हमें वो हम दोनों आपस में एक दूसरे को स्नाइपर शॉट्स मारने की कोशिश कर रहे हैं पहले टिप बंदा को भी ऐसे दौड़े कि स्प्रे मार ना कि मेरे तरह M24 शॉट लड़ाने की कोशिश हाँ अगर तुम मेरे से प्रो स्नाइपर हो और तुम रनिंग हेड शॉट मार सकते हो तो ट्राई करो तो मॉक शॉट रन ट्राई करोगा कि देखो जैसे मैंने यहाँ पे फिर से M24 पकड़ी हुई थी हाथ में मैंने तो ये आपस में बंदा भागा था यहाँ पे देखो अब मैंने यहाँ पे इसको एक और शॉट लगा रखा वहाँ पीछे मैंने एक ही शॉट मारा था तो यहाँ पर मुझे पता था कि वेस्ट जरूर डैमेज होगी वेस्ट थोड़ा बहुत डैमेज होगी M24 थी
तो डैमेज तो होगी बस ओबियसली। तो अब मैं यहाँ पे पेड़ पे आके होल्ड कर रहा, देखो अब यहाँ पे वरना उससे मेरे को डर लगा, ऐसे पीछे आते हुए फायर कर रहा है, पर भाई इस पर एक शॉट नहीं लगा। अब तुम्हारा भाई यहाँ पे आके दो मिनट जीत रहा करे। अब देखो मैंने पूरा बूस्ट वूस्ट कर दिया अपने आपको, फुल बूस्ट नहीं पर हाँ ठीक ठाक बूस्ट कर दिया। अब पता था बंदा वो पेड़ या पेड़ के पास ही सकता, उसने बहुत नेट फेंकने की कोशिश करी। मैंने तुम्हारा भाई ने बोला चलो वो फेंक रहा था, हम भी गए पीछे रहे। मैं नेट पर तो पहुँच भी रहते बड़े, वो थोड़ा सा और जम जाता ना बंदा भी ख़त्म था। यहाँ पर मुझे हल्का सा थोड़ा हाथ दिखा था, मैं फिर तक पीक करेगा मारो पीक किया ही नहीं, हाथ इधर हाथ पर शॉट लगाने की कोशिश करो। अब यहाँ पर मैं तो नेड़ की बिल्कुल मत करना, मैं तो बच गया फिर। अब देखो यहाँ से मेरा शुरू हुआ जो करना था वो बाहर है, हल्की की बॉडी दिखी, ये बॉडी लगाया। और मुझे पता था एम2 की बॉडी का अच्छा डैमेज होगा, तो यहाँ पर फ्री फायर दिया भाई, लूट नहीं करा ऊपर मेरा, और यहाँ पर आगे आके बंदा ख़त्म। इस वजह से तुम भी कर सकते हो, तुम्हें कभी कभी चिकन चाहिए। और भाई इसी साथ अपना क्लासिक का गेम प्ले यही ख़त्म हुआ। अब भाई यहाँ पर आया था क्विक मैच का, तुम देखो भाई क्विक मैच का गेम प्ले भाई गंदा गया। अब अपन यहाँ पर उतरे भाई 7 से के जाने ना किस बिल्डिंग में उतरे अपन भाई, देखो मस्त मैं आ गया कोई लूट लियो मुझे वहाँ साइड वाले घर की तरफ ना, तो राइट साइड में मुझे एक पैराशूट दिख गया, तो मुझे लगा भाई तो बंदा होगा सही, तो मैं यहाँ पर बैक पैक वगैरह लेके देखने लगा बंदा दिखे, तो मैं ट्राई करूँ कि यहाँ पर निपटा दूँ। तो मैं यहाँ पे बैठ के फिर अब देखने लग गया, तभी मुझे वहाँ इधर साइड में वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे वो ब्लू घर नहीं है वहाँ पे मुझे बंदा स्पॉट हुआ, लेटा हुआ, पता नहीं क्या कर रहा था, कौन से दौड़े पड़ रहे थे भाई, घर में नहीं भागा शेन अभी कवर होगा मेरे को विजिबल नहीं होगा, इस कारण दो शॉट उसको मिस किया। तब उसको मार के फिर जब मैं नीचे लूट रहा था तब मुझे आगे एक बंदा नोटिस हुआ, तब जाता मुझे लगा उसने नोटिस नहीं किया, पर उसने नोटिस कर लिया। और तुम इसकी तरह कभी बेवकूफ़ मत करना, देखा उसे कितने बोड़े स्पॉट कर रहे थे, ऐसे बेवकूफ़ तुम कभी मत करना, ये तुमको ही ले डूबेगी। अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ थोड़ा मतलब इधर उधर वापस बिल्डिंग में लूट रहा हूँ, फिर मुझे इतना पीछे भाई फायर आया, मुझे नहीं आया मतलब पीछे में साउंड फायर का साउंड आया, तो मैं देखने लग गया, मुझे लगा कि भाई शायद बिल्डिंग और बंदे, मैं समझ आया एक ही उतर था और थे, तो मैं भाई सीधा एक बूस्ट लेके घुस गया बिल्डिंग के। अब जैसे गया मुझे फुट स्टेप भाई थोड़े बहुत कन्फ्यूज करने लग गए कि बंदा किधर, तो अब फिर मैं यहाँ पर आया विंडो से मुझे फुट स्टेप से पता पड़ गया कि साइड वाले 3 घर नहीं थे, 3 छोटे छोटे इनमें से एक के अंदर था, और जो यहाँ पे सबसे पास में है मैं सब पास में से आगे देखो मुझे हाथ दिख जाएगा हाँ, तो यहाँ से मुझे कन्फर्म हो गया बंदा उधर ही से। तो मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या था, मैं विंडो से साइड मैंने कोशिश करता, तभी उसने मूवमेंट दे दी, मुझे लगा भाई वो अंदर आ रहा है, तो देखो मुझे ऐसे दिखे तो पता पड़ेगा वो अंदर ही सारा। तो यहाँ पे आके भाई तुम्हारे भाई ने वापस एक किस्को मार दिया। अब यहाँ पे तुम्हारे भाई को ओम उठा लिया भाई, ओम मिल गया, तुम देखना भाई ओम कितने काम है। अब मैं आगे आके बहुत साइड हुआ, तो मैं आगे स्पॉट कर रहा बंदे कोई मिले तो मारूंगा ओम से, पर तुरंत मेरे को तो फुस्टे पाने लग जाते, मैं चेक कर लूँ तब। अरे यार कुत्ते भूखना बंद करो यार प्लीज, सबको अभी सा ना चलो। तो फिर यहाँ पे नेट फेंक दिया अपने नीचे, अरे भाई शांत हो जाओ यार कमेंट्री करने लगे और चुकी नहीं। तो देखो नेट फेंका तो अपने ट्राई कर रहा था, तो मुझे पता था वो इस वाले कमरे के अंदर है, तो छत पे नहीं आया तो मस्त वो इसी कमरे के अंदर हुआ, फिर नीचे नहीं था मुझे वो कन्फर्म था। अब तुम देखे ना भाई बंदे ने क्या ही कैंप करा था, वो क्या ही मारा है इसको बंदे ने, अभी देखो इसको इसको मारने के बाद मैं जोर में जाया, तभी मुझे एकदम आगे वाले बोले तो फायर तो उनको फुटचे पा गया, तो दो मिनट यहाँ पे आकर टिकू लेके देखने लग गया, तो मुझे पता पड़ा कि वो मुझे नहीं दिख रहा, वो तो मैं आगे जोर की तरफ जा रहा हूँ दिख गया था, मैं इसको करके चेक देखने की कोशिश की मुझे दिखा नहीं। अब मैंने बोला सो ठीक है मैं आगे बढ़ा तो आगे चले गए, तो वो यहाँ पर मिल जाएगा मुझे, और साथ ही साथ 5th किलो। अब मैंने यहाँ पर रिलोड नहीं किया, मैं सीधे भागा फिर कवर के अंदर, तो भाई ओपन में था वो सीधा एल लग जाते, तो भाई यहाँ पर मैं घर के अंदर गया, तो घर के अंदर जाते 2 मिनट चला भाई रियल बंदा, तो मैं रेडी रहा भाई बोट से मिला, उस बोट को निपटाया अपन ने, उस बोट को निपटाने के बाद अपन मस्त अपने का थोड़ा रूट वूट ली, फिर मैं जोन के हिसाब से बोट टावर में आया। अब यहाँ से भाई तुम देखो भाई ओम के गंदे गंदे हेडशॉट्स लिटरली गंदे लेवल के। अब यहाँ पे ये बंदा ना यहाँ पे भाई थोड़ा सा मैं टाइमिंग ज़्यादा लग गई, बाकी यहाँ पे शॉट लगा था, एक बार मिस कर दिया अगली बार मिस नहीं करूँगा। अगली बार जैसे उसने थोड़ी खोपड़ी दिखाई फिर खल्लास। अब ऐसे ही ऐसे मैं पीछे से देखने गया झाड़ियों की तरफ जोन में उधर शिफ्ट, और चेक करने गया कि हाँ उधर कोई बंदा हो तो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि जस्ट थोड़ा सा स्किप करना था, मैं वो स्किप नहीं करता फास्ट फॉरवर्ड कर देगा, तो मैं फिर यहाँ जैसे आ गया तो मुझे बंदा दिख गया। और मैं जानना चाहता कि शॉट कैसे मिस हुआ, तो मैं बता सकता मिस हो गया तो अगली बार मिस नहीं किया मैंने। और यहीं पे भाई गेम ख़त्म, ईजी चिकन डिनर।